लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में राजस्थान में 13 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो गया। दूसरे चरण के तहत टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़ 12 लोकसभा क्षेत्रों में शुक्रवार को मतदान हुआ। इन 13 निर्वाचन क्षेत्रों के 28,758 मतदान केंद्रों पर नवविवाहित जोड़ों, दिव्यांग, थर्ड जेंडर, आदिवासियों, वृद्धों और युवाओं सहित सभी मतदाताओं ने मतदान में उत्साहपूर्वक भागीदारी की। प्रथम चरण के तहत 19 अप्रैल को 12 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान हुआ था। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि राजस्थान में दूसरे चरण वाले 13 लोकसभा क्षेत्रों में अंतिम रूप से 64.6% मतदान दर्ज किया गया है। इसमें पोस्टल बैलेट के माध्यम से किया गया 0.49% मतदान भी शामिल है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से मतदाता बड़ी संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचने लगे। दिन भर मतदान केंद्रों पर हंसते मुस्कुराते उत्साह से मतदाताओं का तांता लगा रहा। प्रथम बार मतदान करने वाले युवाओं में खासा उत्साह देखा गया और जिन युवाओं ने प्रथम बार मतदान किया है उन्हें निर्वाचन की ओर से सर्टिफिकेट दिए गए। हालांकि कई जगहों पर खामियां भी नजर आई। कई पोलिंग बूथ पर बुजुर्ग एवं विकलांग मतदाताओं के लिए जो सुविधा देनी थी वह कई जगह गायब सी नजर आई। ऐसे में बुजुर्ग विकलांग व्यक्ति परेशान होते नजर आए। कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां पर टक्कर का माहौल देखने को मिला। प्रदेश के सभी लोकसभा क्षेत्रों के लिए 4 जून को अब मतगणना होगी। राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों पर दोनों चरणों में वोटिंग खत्म हो चुकी है। आइए जानते हैं पिछली बार के मुकाबले इस बार मतदान कम हुआ है या ज्यादा। राजस्थान में पहले चरण में मतदाताओं ने मतदान में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। पहले चरण में प्रदेश में महज 51.7% वोटिंग दर्ज की गई। वहीं दूसरे चरण में राजस्थान में बंपर वोटिंग हुई। शाम 6 बजे तक राजस्थान की 13 सीटों पर 59.69% वोटिंग हुई। यहां सबसे ज्यादा वोटिंग बाड़मेर में हुई है जबकि सबसे कम वोट टोंक, सवाई माधोपुर में डाले गए हैं। इसके अलावा जोधपुर में 58.98%, कोटा में 65.38%, भीलवाड़ा में 55.41%, बाड़मेर में 69.79%, अजमेर में 52.38%, चित्तौड़गढ़ में 62.80%, झालावाड़ 12 में 65.37%, जालौर, सिरोही में 58.19%, उदयपुर में 61.2%, राजसमंद में 53.81% और पाली में 52.42% वोटिंग हुई है। आइए जानते हैं पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 13 सीटों पर कितनी वोटिंग हुई थी। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत राजस्थान की जोधपुर, कोटा, भीलवाड़ा, बाड़मेर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बारा, जालौर, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, पाली और बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर मतदान हुआ। लोकसभा 19 में कहां कितना हुआ था मतदान। अगर पिछली बार के चुनाव पर नजर डालें तो साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जोधपुर में 68.89%, कोटा में 70.22%, भीलवाड़ा में 68.89%, बाड़मेर में 73.3%, अजमेर में 67.32%, टोंक, सवाई माधोपुर में 63%, चित्तौड़गढ़ में 72.39%, झालावाड़ 12 में 71.96%, जालौर, सिरोही में 65.74%, उदयपुर में 70.32%, राजस्थान में 64.87%, पाली में 62.98% और बांसवाड़ा में 72.9% वोटिंग हुई थी। आपको बता दें कि राजस्थान के दूसरे चरण के चुनाव में प्रदेश के कई दिग्गज नेता चुनावी मैदान में हैं। इनमें जोधपुर से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जालौर से अशोक गहलोत की बेटी वैभव गहलोत, कोटा से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, बाड़मेर से कैलाश चौधरी, चित्तौड़गढ़ से बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, झालावाड़ से पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया के बेटे दुष्यंत सिंह और भीलवाड़ा से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी,
चुनाव लड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान कवरेज। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।